येलो कलर पे ज्यादा फोकस अरे यार वो कंट्री सबसे पहले कहाँ जाना है घूमने लाइक शिमला मनाली वाओ गोलगप्पे खत्म हो रहे नहीं होता क्वेश्चन क्वेश्चन तुम बोल लो तुम अपना गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल और आज बहुत दिनों के बाद कुछ चैलेंज वीडियो लाए आप लोगों के लिए चैलेंज वाली वीडियो लेकर चैलेंज के क्या क्या होने वाला है चैलेंज ये होने वाला है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं वो आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा और हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं और कौन किसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है ठीक है तो देखते रहिए और कौन जीतता है कौन हारता है वो आपको लास्ट में पता चलेगा तो प्लॉट स्टार्ट करते हैं तुम बोल लो तुम अपना मेरे वीडियो में क्यों बोलने लगती हो तुम क्योंकि हमको बोलना है हाँ चलो बोलो तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो ठीक है और बहुत जिद करने के बाद ये बहुत दिनों के बाद हम ये चैलेंज वाला वीडियो किए हैं क्योंकि ब्लॉग देख 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 के आप लोग का भी मन थोड़ा सा वो हो गया होगा नहीं होता क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन सारा नोट डाउन किए हैं और इसको मेरे बारे में हाँ क्या क्या बताना है सारा कुछ हम इसमें लिखे हुए हैं ताकि ये देख ना पाए और इसको पता भी नहीं है कि हम क्या पूछने वाले हैं तुम क्यों पहले दिखा रही हो तो हम सबसे पहला तुमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं मत देखो क्वेश्चन में क्या है यार क्वेश्चन तो तुम हमको वैसे ही बताओ बहुत बेवकूफ है ये हिंदी खराब है ऊपर से इसकी तो और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बर्बादे है मेरा हिंदी खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है तुम्हें बाहर का जो भी खाना आता है वो सब तुम्हें पसंद है नहीं। घर का इसको बिल्कुल भी सबसे ज्यादा हाँ सबसे ज्यादा पिज्जा हाँ पिज्जा पसंद है इसको बर्गर उससे भी ज्यादा पसंद है इसको नहीं पिज्जा सबसे ज्यादा है उसके बाद बर्गर है और तुम आंसर भी लिखी हो क्या ताकि नहीं नहीं कुछ नहीं बस मुझे बताओ हाँ बस हाँ ये सही बोली है और इसको पॉइंट मिलते हैं एक तुमको ना बाहर का बहुत सारा सामान पसंद है बस तुमको घर का चावल रोटी दाल ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन खाते हैं खाती हो लेकिन अगर बाहर का अगर तुमको मिल जाए तो तुम बिल्कुल भी घर का खाना टच भी ऐसे नहीं करोगी है ना मेरा क्वेश्चन है 10 और इसका भी क्वेश्चन है 10 ठीक है तो हम पहले अपना पूछ लेते हैं सारा उसके बाद ये हमसे पूछेगी मेरा ड्रीम फोन मेरा ड्रीम प्लेस क्या है ओ हमको लगा फोन लिखी ड्रीम प्लेस हाँ तुम्हारा गोवा बदल चुका है बचपन में था वो बदल चुका है अब तुम्हारा ना वो बर्फ वाला प्लेस सब तुमको बहुत पसंद है उसके बाद अभी तो तुमको बनारस जाने का शौक चढ़ा है लेकिन ड्रीम प्लेस की बात करें तो केदारनाथ लाइक शिमला मनाली मर जाएंगे यार सबका तुमको बहुत शौक है पता नहीं यार कब जाएंगे सच बोल रही है और हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा हमको कोई जानता होगा ठीक है तो सेकेंड पॉइंट भी तुमको लगता है 10 में 10 मिलेगा ऐसा हमको लगता है मिलना भी चाहिए क्योंकि 24 घंटे ये मेरे साथ रहती तो इससे ज्यादा बेहतर हमको कोई नहीं समझ सकता ठीक है ऐसा कुछ नहीं अच्छा बताओ जबरदस्त अच्छा बताओ अगर मेरे लाइफ में कोई आए ठीक है तो हम उससे लव मैरिज करना चाहेंगे या फिर अरेंज मैरिज करना चाहेंगे अगर लव मैरिज किए तो तू मतलब सपोर्ट करोगी या नहीं बिल्कुल नहीं इज्जत बर्बाद नहीं होना चाहिए नाक नहीं कटनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए बाप रे खुले में बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बनेंगे ऐसे वाले ठीक है ये मजाक की बात ही बट हाँ अरेंज मैरिज करने के लिए हम हमेशा सबको सजेशन देते हैं अरेंज मैरिज करो लाइफ खुशहाल रहेगा लव मैरिज तो हम क्या करने वाले हैं अरेंज मैरिज या लव मैरिज ऑफकोर्स यार तुम्हारे बोलने से क्या होगा तुम कभी करोगी ही नहीं वो हमको पता है वो क्वेश्चन बोलना इतना इजी है तुम किस टाइप की लड़की है वो हमको अच्छे से पता है अरेंज मैरिज वाली शुद्ध जो नहीं होता है अरेंज मैरिज उस टाइप की लड़की है ये और उसी में बिलीव रखती है ये 100% सही जवाब अच्छा बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा घर में सबसे ज्यादा हमको कौन प्यार करता है गलत जवाब सबसे ज्यादा मम्मी मम्मी सबसे ज्यादा मम्मी तो ये सेकंड बार में बोली है सेकंड बार में बोली है पर बोले तो सही क्योंकि मम्मी हमेशा मेघा 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 ऐसे मम्मी किसी से प्यार नहीं करती इसको सबसे ज्यादा प्यार करती है हम तो कहीं आते ही नहीं अपने घर में हम तो सबसे लास्ट के भी लास्ट में आते हैं इसका नामो निशान मिट चुका है घर में ठीक है तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी से इससे क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है किसके लिए शॉपिंग करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और सबसे ज्यादा मजा भी आता है के लिए
कितना इजी है इसके लिए बताना, पता नहीं ये क्या क्या लिख के रखी होगी। मेरा 5-6 क्वेश्चन खत्म हो चुका है गाइस। फैमिली के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसको खुशी मिलती है पापा के लिए कुछ भी खरीदने में। बताओ कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमको क्या खाने का मन करता है? कल जो खाई थी गोलगप्पे। वाओ, गोलगप्पे, उसके बाद लस्सी। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन है तो पता है गाइस, ठंडी का गाइस पता है, ठंडी का सीजन, तुम ठंडी के सीजन सबसे ज्यादा समोसा खाना पसंद करती हो। और जलेबी। और जलेबी, हाँ। और पता है हमने स्ट्रीट पे नहीं खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। और हम दोनों का ये लक्षण है कि स्ट्रीट पे हम लोग नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते, क्योंकि हमको बहुत घिन लगता है। ठीक है, दोनों बहन को तो, या तो रेस्टोरेंट में खाएं। अगर वीडियो में चैलेंज वगैरह करना रहता ना, तब खाना ही पड़ता है, तब खाना पड़ता है। चैलेंज कुछ भी चैलेंज जैसे करना पड़ता है तब खाते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि एक बाइट हम एक बाइटी और पूरा फेंक दिए। हाँ, जैसे कि मरीन ड्राइव पे गए थे, सारा बर्बाद था, हाँ सारा फेंका गया। ठीक है, थोड़ा बहुत एक हम लोग मोमोज खाए थे बस उसके यहाँ, हाँ। वो अच्छा था, जिसके यहाँ पूरा साफ सुथरा रहता है खा लेते हैं। अब किस चीज से दुनिया में सबसे ज्यादा हमको डर लगता है, किस चीज से? तुमको ऊंचाई से आई थिंक बहुत ज्यादा डर लगता है, ऊंचाई से या फिर गिरने उड़ने से। गलत जवाब, गलत गाइस। कैसे गलत? गलत। अब क्या मन में बना ली तू? मन में नहीं बना है, हमको भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है गाइस। जो बता रहे ये बात, वो भूत वाला बात बहुत अलग टाइप का हो गया। क्या अलग टाइप का? टाइप का क्या होता है? तुम सारा जवाब सही नहीं दे सकती हो, तुमको फंसाएंगे, थोड़ा सा मार्क्स काटेंगे इसका, इसमें हमारा। कि कुछ ऐसा सीक्रेट मेरे बारे में जो कि हम ही तुम जानते हो और किसी को पता नहीं हो, पूरे खानदान में किसी को पता नहीं हो, आज तक हम किसी के सामने शेयर ना किए। बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम दोनों मिलके करते थे, बहुत सारी ऐसी चोरी भी किए हुए, चोरी भी किए, सही में चोरी भी किए हुए घर में घुस के। ठीक है, और किसके घर में घुस के? किसी के घर में घुस के बताएंगे नहीं, वो भी वीडियो देख रहा होगा। और जो देख रहा होगा उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मेरे घर में घुस के की थी चोरी। चोरी क्या यार, छोटा छोटा सा सामान। अरे यार ये नहीं होता कि बचपन में कुछ गिट्टी किसी का चुराया जाता है, गिट्टी किसी का चुराए। ठीक है, वो खेलने वाला गिट्टी नहीं, बालू सीमेंट गिट्टी होते, 5 गिट्टी चुराए थे ना दीदी खेलने के लिए। और भी बहुत सारा चीज चुराए, जो जैसे कि एक हो गया छोटा सा बॉटल, छोटा सा बॉल, हाँ बॉल, बॉल। फिर बचपन में कुछ रखने के लिए कुछ था तो लिपस्टिक का वो खाला खाली वाला डब्बा, ये सब चीज चुरा के लाते थे और उसमें खेलते थे हम लोग गुड़िया गुड़िया, तो उसके लिए काम आता था। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सच हिंदी। मार देंगे यार अबे। तुम तो पढ़ती ही नहीं हो, नालायक हो गई हो। बोलो ना, पहले कौन सा था ये बता दो, अभी का छोड़ दो। मैथ्स। मैथ्स, हाँ हमको मैथ्स पसंद था, लेकिन अब पता नहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो। लेकिन कहीं से भी नहीं मिलेगा, और मेरा तो कुछ फेवरेट है ही नहीं। था ना तुम्हारा केमिस्ट्री 12th में था, उसके बाद नहीं था, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया। क्यों, तो सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करती? तुम सोती हो। सही जवाब। कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ना गाइज, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग पूरा एकदम हैंग होने लगता है, तब हम बहुत तेज सोते हैं। ठीक है, और इतना सोते हैं कि मतलब दो दो दिन तक सोए रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, ना ब्लॉग बनाने का मन करता है, ना और भी कुछ करने का मन करता है, ना घर से बाहर निकलने का मन करता है, इस टाइप के हो जाते हैं। और हम टेंशन में आते हैं, खाना पीना हमको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और हम खूब खाते भी हैं। पता है लोग बोलता है कि टेंशन में आदमी खाया नहीं जा रहा है, इसको खाया नहीं जाता, और हमको इतना ही भूख लगता है और इतना ही सोते हैं। तो गाइज, तो मतलब अब मेरी बारी ख़त्म, अब इसकी बारी है। तो तुम बताई हमको 10 में से 9 क्वेश्चन का जवाब दी हो तुम, समझी? एक क्वेश्चन का जो वो डर वाला था वो तुम्हारा कटा है नंबर। 10 में से 9 मार्क्स लाई है बच्ची, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और हमको लगता है 2 करोड़ रुपए। और हमको गाइस, हम इसकी तरफ कॉपी में तो बिल्कुल भी नहीं लिखे, और ऐसे करके तो बिल्कुल नहीं रखने वाले कि हाँ मेरा देख मत लो,
पढ़ रही है आप भी बेशर्मों की तरह देख रहे हैं हम फिर भी पढ़े जा रहे हैं ठीक है। इसमें आंसर थोड़ी लिखा सिर्फ क्वेश्चन लिखे है ठीक है। तो सबसे पहला है मुझे अपने लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चीज करना पसंद है बताओ। ब्लॉगिंग करना सबसे नंबर वन पे इसके लाइफ में अभी जो चल रहा है वो ब्लॉगिंग है और ब्लॉगिंग है और उससे भी ज्यादा यूट्यूब से ज्यादा रील्स हो गया है गाइस। के लिए हम शादी भी करेंगे ब्लॉगिंग के लिए हम सब कुछ करते हैं अपने लाइफ में ब्लॉगिंग के लिए। चलो नेक्स्टिंग करना मुझे मूवी देखना पसंद है या शॉपिंग। ऑफकोर्स शॉपिंग इसको शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये मूवी देखने में बोरिंग फील करती है और ये मेरे साथ कभी नहीं जाती है गाइस कभी नहीं और जबकि हमको इतना ज्यादा पसंद है कि हम हर वीक जा सकते हैं पर हम जाते नहीं अकेले। चलो हो गया। मुझे कैसे कपड़े पहनना पसंद है स्टाइलिश स्लीवलेस लेकिन स्लीवलेस हो उसके अंदर में कुछ डाल के यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है इसलिए नहीं तो अगर वैसा उस तरीके का माहौल रहता तो ये पहनती ठीक है सब कुछ पहन दो। हाँ फूड में सबसे ज्यादा अच्छा मुझे क्या चीज लगता है चावल दाल चोखा। भाई इतना सही कौन बोलता है चावल दाल चोखा और रेस्टोरेंट वगैरह में भी अगर हम लोग को प्रमोशन वाली वीडियो करने के लिए जाना पड़ता है और जाना पड़ता है नहीं इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं चिकन का कुछ कुछ रहता है ये वो तो ये तो खा लेती है। अब हम लगता है शपथ लेने वाले हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे गाइस नॉनवेज नहीं खाएंगे सच में बता रहे हैं हमको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं उसमें। अगर बिल्ली बोलेगी हम चूहे का शिकार करना छोड़ देंगे तो हाँ तो क्या छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे शपथ होता है लेकिन हम कुछ दिन बाद छोड़ेंगे अभी नहीं छोड़ रहे। और वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारा चीज मिलता है तो ये बस एक बाइट खाती है बस वीडियो में दिखाने के लिए और सारा का सारा हम और मेरा भाई चट कर जाते हैं गाइस चट। फूड में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है अच्छा ये तो चावल दाल चोखा। फेवरेट कलर वाइट। व्हाइट नहीं है मेरा तो कौन सा है बदल गया हाँ। कौन सा है रेड कलर का इसका फेवरेट। इंसानों की पसंद ना कुछ कुछ दिन के बाद चेंज होती रहती है तो अभी करंट में इसका हमको नहीं पता तो तुमको करंट अपडेट होना चाहिए नहीं पता है अभी तो तुम येलो कलर पे ज्यादा फोकस अरे यार वो कंटेंट के लिए फोकस कर रहे हैं यार मुझे पसंद नहीं है येलो बिल्कुल भी नहीं पता सच में नहीं पता सच में नहीं पता है। मुझे आजकल ना लाइट पिंक कलर बहुत पसंद आ रहा है तो जीरो इसके तरफ से क्योंकि इसको नहीं पता था सच में नहीं पता है क्योंकि इसका ना पहले था ब्लू कलर और कुछ दिन बाद हो गया रेड तो रेड वेड सब किसी का पसंद नहीं रहता है फिर हम ना उस पे ध्यान नहीं दिए बोले छोड़ो इसका हमेशा बदलते रहता है तो अपना इग्नोर किए ठीक। तो अभी पता नहीं मुझे आजकल पिंक पसंद आ रहे हरियाली वाली चीजें ग्रीन पसंद आ रही है लाइक घास फूस ये वाली चीज फैन वाली भी तो पर्पल कलर भी मुझे बहुत पसंद आता है उस कलर का मेरे पास बैग भी मैंने खरीदा था उस कलर का तुम्हारे पास बहुत सारा ढेर सारा कपड़े भी। हाँ कपड़े मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है घूमने अभी ठीक है। हाँ, सबसे पहले तुमको बनारस जाना है क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं है तो इसको बहुत ज्यादा मन हो रहा है जाने का तो बोले चलना कभी अभी हम तो आज तक बनारस नहीं गए यार लेकिन इतनी धूप के कारण हम जा नहीं रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है बातें गुस्सा होने वाला और मुंह बनाने वाला और बैठ के अपने आप गाना सुनने वाला और किसी का कुछ नहीं सुनना बस गाना सुनना ठीक है और कुछ भी हम इधर से रचना चिल्ला रहे हैं ये मुंह बना के बैठी हुई है कुछ नहीं फर्क पड़ता है भाई कुछ नहीं। अच्छा बताओ मुझे क्या खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने फास्ट फूड। तो गाइस इसको फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसको ना बर्गर पसंद है ना पिज्जा पसंद है थोड़ा बहुत लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है और थोड़ा बहुत पास्ता खाती भी है पसंद है क्या तुम बताओ हम कहेगा बताएंगे हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं क्या इस चीज में क्योंकि ये पास्ता भी खाती है और ये सैंडविच भी खाती है बड़े मजे से खाती है और जब इसको बोलो मजे से तो हम आज तक पास्ता नहीं खाए मजे से सैंडविच खाता व्हाइट सॉस पास्ता तुम खाई हो मजे से खाई हो रेस्टोरेंट का खाई हो तो उस दिन हमको लगा था कि अरे एक दिन खाए जिंदगी में हाँ तो ये अरे जिंदगी में ही पहला बार खाए तो उसमें भी हमको अच्छा लगा था बाकी
वो पसंद वाला पसंद नहीं है, बाहर वाला थोड़ा दो चार चम्मच तो पास्ता क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या पास्ता हमको नहीं पसंद है, दो चार चम्मच खाना को पसंद है, फास्ट फूड इसको पसंद है, हमको सिर्फ गोलगप्पे पसंद है, फास्ट फूड जंक फूड जिसमें आता है वो हमको बस वो पसंद है। चलो नेक्स्ट टाइम क्या लिखे, शादी के बारे में मेरा क्या ख्याल है बताओ। ओ ओ ओ ओ शादी के बारे में तुम्हारा ख्याल, इसका ख्याल नहीं, इसका पूरा हिस्ट्री है इस पे, ठीक है। बचपन से बोलते आ रही है कि हम शादी करेंगे लहंगा पहनने के लिए। अब ये लहंगा का वीडियो कम से कम की होगी तो 10-15 कर दी होगी आराम से। अब इसको लहंगा से मन उब गया है और ये बोलती है कि हम लहंगा को ना स्टिच करवा के पहनेंगे। पहले बोलती थी लहंगा पहनेंगे, अब लहंगा से मन भर गया। वो ऐसे निकाल निकाल के देते ना भैया ट्राई करने के लिए, वो पहन पहन के इसका मन भर गया। अब बोलती है कि हम सिलवा के पहनेंगे, अपने फिटिंग का पहनेंगे, तब हमको मन भरेगा। ऊपर से शादी के बारे में इसका ये है कि हम जाएंगे मेहंदी लगा के हाथों में और एकदम मस्त, वो जैसा रील्स में देखते हैं ना यार, नहीं होता है सब वैसा हमको चाहिए। अगर मेरा दूल्हा मंडप पे नहीं रोया तो हम उससे शादी नहीं करेंगे। ये सब चीज ये सोच के रखी है, पता नहीं कैसे रोएगा क्या करेगा। उसको पहले बोलेंगे भाई, उसको हम देंगे बढ़िया से क्या, उसको बोले स्क्रिप्ट नहीं नहीं क्या वो ट्रेनिंग। अच्छा, मुझे कैसे लड़के अच्छे लगते हैं तुमको? एकदम सिंपल साधारण जो चिपकू टाइप के बाल वाले नहीं होते, बिल्कुल नहीं, वो अच्छे लगते हैं। और गाइस वैसे ही लड़के अच्छे होते हैं, और आप लोग में से कोई चिपकू बाल वाले हमको वैसे लड़के अच्छे लगते हैं होंगे तो आप प्लीज इनके आईडी पे जाके इनको लाइक, इसको नहीं पसंद है तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारा दो कटेगा ठीक है, तुमको मेरे से कम पॉइंट है, क्या कटेगा तुम्हारा कटेगा ठीक है। हमको ऐसे लड़के पसंद है जिसके फॉलो लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ रचना ही हो, हमको ऐसे लड़के पसंद है मतलब जो लड़का किसी और लड़की को मतलब किसी और लड़की के फोटो को लाइक तक ना करता हो, हमको ऐसे लड़के पसंद है जिसका मतलब तो जिसका सब कुछ सिर्फ हम ही हो और कोई नहीं हो। मिलेगा पृथ्वी पे, मिल जाएगा बहन, जिस दिन मिलेगा हम शादी रचाएंगे उससे, रचना शादी रचाएगी उससे ठीक है। तो हो गया, तुमने बोला कि हमको चिपकू लड़के पसंद है, हमको चिपकू लड़के नहीं पसंद है, हमको अच्छे लड़के पसंद है। चिपकू लड़के पसंद थे ठीक है, जिसका बाल वो एकदम चिपका हुआ ऐसे नहीं करता, कभी नहीं ऐसे एकदम मतलब अजय देवगन, हाँ अजय देवगन सही बोल टाइप के। तो अब वैसे लड़के इसको पसंद नहीं है, अब उनको विराट कोहली टाइप के। ओ माय गॉड, सुमन गिल, ओ सुमन गिल चाहिए इनको। तो गैस यही थी छोटी सी वीडियो, और आई होप कि आप लोग इंजॉय किए होंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए होंगे इस वीडियो से ठीक है। ब्लॉगिंग से थोड़ा सा हटके था तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 5000 मेरा जल्दी जल्दी से होने ही वाला है, कर दीजिए। और फिर और तो कोई चैलेंज वगैरह कुछ भी अगर देखना चाहते हो ना, एक दो कमेंट भी आ जाएगा तो बना देंगे हम लोग, है ना, कुछ इस टाइप का चैलेंज वगैरह देखना चाहते। और किसका पॉइंट ज़्यादा आया, 10 में से कौन किसको हराया और जीता? हम तुमको हराए नो डाउट, तो वो आप कमेंट में बता देना ठीक है। हाँ। रचना इतना पॉइंट, मेघा इतना पॉइंट, अगर पूरी वीडियो देखे होगे तो पता चला ही होगा ठीक है, अगर नहीं देखे होगे तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेना, फिर से बोल रहे हैं। तो गाइस बाय 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 बाय।